ऑल राइट गाइज, यार कैसे आप सभी लोग, बहुत 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 स्वागत है एक नए कमाल के वीडियो के अंदर। और गाइज यार, आज हम जाने वाले एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे गाइज यार हम लोग पास होने वाले हैं केवल एक हाफ आर्ट। यानी कि आप लोग जानते हो भाई, माइनक्राफ्ट के अंदर अपने पास होता है टोटल भाई 10 आर्ट अपने माइनक्राफ्ट को बीट करने के लिए। लेकिन गाइज यार, आज हम जाने वाले एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे केवल और केवल अपने राइटर के पास होने वाले एक हाफ आर्ट, उसमें हम लोग भाई माइनक्राफ्ट को बीट करना है। मतलब यार लोग इससे समझो कि भाई अगर हम 3 लोग से भी भाई जंप कर देना अपना गेम ओवर हो जाए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लग चुका हूँ। बिना कहते चलते गेम के अंदर, देखते हैं आज का ये वाला काम हम लोग भाई कम कर पाते हैं या फिर नहीं। ऑल राइट गाइज यार, स्वागत है आपका एक खतरनाक से वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि क्योंकि आप लोग नीचे भाई मेरा हेल्थ बार देखो भाई कितना ज्यादा है ना भाई। लिटरली इतने में तो यार हम लोग कितनी सारी चीजें करें भाई, लिटरली हाफ आर्ट है। और आप लोग तो समझ सकते हो भाई 10 आर्ट में माइनक्राफ्ट को बीट करना इतना हार्ड होता है, और आज हमारे पास केवल केवल एक हाफ आर्ट है लिटरली भाई। इसको भाई अगर हम लोगों ने यहाँ पे 3 ब्लॉक से भी जम कर दी ना, अपना गेम भाई खत्म ही समझ लो। लेकिन हाँ, इसको हार्ड कोर ने किया, उन्होंने सर्वाइवल किया, ऐसे मतलब बार बार आ सकते हैं। लेकिन भाई ये भी बात नहीं भाई बार बार आ जाए तो इसे मतलब भाई बहुत आसान है। मतलब कि यार इतना भी हम लोग को भाई नहीं करना है, कोशिश करने की भाई हम लोग एक बार भी डिफीट ना हो। लेकिन भाई लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक काम होने वाला है, हम लोग को हाफ हार्ड में भाई माइनक्राफ्ट को बीट करना है। लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, अपने 3 ब्लॉक से हमने जम कर दी ना भाई लिटरली बहुत गंदे सीन हो जाएंगे। तो अभी तो आप लोगों को विश्वास ऐसे होगा नहीं। तो चलो यार एक बार आप लोगों को भाई 3 ब्लॉक की हाइट से जम करके दिखाते हैं, और दिखाते हैं भाई 3 ब्लॉक की हाइट से जम करो तो भाई क्या होता है। तो ये देखो गाइस यार, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी 3 ब्लॉक की जो हाइट है बना ली, 1 2 3 लेट्स गो। तो एक स्पीड लग चुकी है और अभी उन्होंने तैयार है भाई यहाँ से जम करने के लिए, लेट्स गो भाई। रुक जाओ एक मिनट, आप देखो अब देखना, हम लोगों ने यहाँ से सिंपली करके भाई जम्प ली और लेट्स गो। देखा आपने गाइस, जो हम लोगों ने 3 ब्लॉक जंप ली और अपना भाई गेम ओवर हो गया। आप लोग देख सकते हो भाई कितने ज्यादा खतरनाक सीन थे, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला आज का गेम। तो बिना किसी तरीके आज की सारी वीडियो हम लोग स्टार्ट हो लेते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग तोड़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत लॉग, जिससे कि हम लोग अपना क्राफ्टिंग टेबल और बेसिक जो टूल होते हैं वो बनाने में जल्दी जल्दी हम लोग को यार ट्राई करना पड़ेगा कि यार हम लोग जल्दी जल्दी अपने टूल पे अपग्रेड कर ले, थोड़ा बहुत आर्मर आर्मर बना दे, जिससे कि यार अपना जो गेम है थोड़ा बहुत तो ईजी हो जाएगा शायद शायद। बाकी अगर इसी लेटर या जॉम भी आ गया तो भाई लिटरली उनका एक एरो के आधा एरो अपना गेम खत्म कर सकता है, तो वो सब देखना पड़ेगा। बाकी ध्यान रखने की भाई हम लोग कम से कम भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे फ्लोर सर के जल्दी जल्दी अंडर टाइम को मारते हैं, वो सब देखेंगे भाई हम लोग कैसे करने वाले। तो लेट्स गो, यहाँ से उन्होंने काफी ज्यादा लॉक ले लिया है, आई थिंक इतना सफिशियंट रहेगा अपना काम करने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो भाई इसको प्लान तब्दील कर लेते हैं, लेट्स गो। 6 लॉक आ चुके अपने पास, तो बेसिकली ये 24 प्लैंक्स बन जाने वाले हम लोग पास। सबसे पहले तो क्राफ्ट टेबल को हम लोग यहाँ से क्राफ्ट कर लेते हैं, तो लेट्स गो। क्राफ्टिंग टेबल अपने पास आ चुकी है, इसको रखते हैं यहाँ पे और इसकी स्टिक हम भाई बाद में डालेंगे। तो फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पे और जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे अपना जो बेसिक टूल है ना भाई उनको बना लेते हैं। पहले तो थोड़ी बहुत स्टिक लेते हैं जो कि अपना काम आने वाली है, लेट्स गो। ये रही स्टिक अपनी, तो स्टिक से हम लोग बना सकते हैं अपनी एक एक्स, जिससे कि यार अपने को पेड़ वेड़ काटने का आ जाएगी। एक पिकैक्स बना लेते हैं जिससे कि अपने बेसिक वाले काम है ना वो हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी से लेते हैं और जितने लोग वाले पत्थर लेते हैं ताकि हम लोग भाई कम से कम सेव हो जाओ, विलेज की तलाश करें। बाकी आप लोग देखोगे हम लोग को स्पॉन रेट भाई कितना ज्यादा अजीब सा मिला, मतलब कि यार यहाँ पे लिटरली भाई पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल वो देखेंगे उसका क्या करना है। फिलहाल अभी तो हम लोग यहाँ जितना आप लोग लॉग देख पा रहा भाई कलेक्ट कर लेते हैं ताकि अपने पास भाई पता लगे हम लोग भाई काम कर रहे हैं, बाद में देखें यार अपने पास लॉग या प्लैंक है नहीं, तो वो नहीं करना है हम लोग को। जितनी भी लकड़ी हो सकती है भाई ले लेंगे यहाँ से कम यार 10 या 10 11 तो 12 तो हुई, जिससे कि अपना काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो फिलहाल भी उन्होंने यहाँ से काफी ज्यादा लॉग ले लिया, आई थिंक 5 लॉग हो चुके अपने पास और 5 से आई थिंक सफिशियंट अपना बूट रहेगा। तो थोड़ी बहुत और रख ही लेंगे हम लोग बाद में, इतनी यार कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल भी जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं कि यार हम लोग को ना भाई कुछ विलेज विलेज मिल जाए तो भाई काफी तगड़े सीन हो जाएंगे, मतलब कि हम लोग काम आराम से काम कर सकते हैं और जल्दी जल्दी प्रोग्रेस वो कर सकते हैं। लेट्स गो, यहाँ से उन्होंने 11 लॉग ले लिया, इनका मान लीजिए हम लोग बूट बाद में बना लेंगे। अभी चलते हैं आगे तरफ को, देख भाई जंप नहीं करनी यार हम लोग को, समझ रहा। अगर हम लोगों ने जंप भी करी ना अपना गेम ओवर हो सकता है, तो वो हम लोग देखना पड़ेगा भाई। लिटरली शिफ्ट दबा के भी चल सकते हैं हम लोग भाई, कब तक शिफ्ट दबाए रहे तो थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए चलेंगे। बाकी आगे तो भाई जाने में डर लग रहा है भाई, इतने खतरनाक सीन हो रहा है। आप लोग देखो भाई उधर जंगल बन के रखा हुआ है, तो फिलहाल देखते हैं हम लोग आगे कैसे जाते हैं भाई, धीमे धीमे चलेंगे एकदम भाई। लिटरली चलने में डर लग रहा है भाई, हम चले गए थे, आगे देखे चलते हैं पता लगे भाई आगे खाई आ गई, तो अपना गेम तो भाई ऐसे ही ओवर हो जाए, तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे तक, और फिलहाल आगे आई थिंक एक काउ खड़ी हुई है जिसका यार के फूड हंगर बात तो ऐसे जाएगा नहीं हम लोग का। माइनक्राफ्ट रूल तो भाई आप लोगों को मालूम ही होगा, अपनी हेल्थ जितनी होगी उतनी अपनी हंगर बार जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग नीचे धीमे आराम आराम से चलते हैं। बाकी पानी कितना ज्यादा है भाई यहाँ पे लिटरली, आप देखो यार आस पास पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बाकी यहाँ थोड़ी बहुत सीट दिख रही है, इनसे यार बटन डालें ताकि रात को हम लोग रिसीव कर दें, रात को इससे कर देंगे जॉम्बी वॉम्बी खतरा थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा।
हम लोग इतने कोई दिक्कत होगी नहीं, तो इसको हम लोग पहले तो भाई झटके मारते हैं और लेट्स गो इसको मारते हैं। लेट्स गो अपने को मिल चुकी है यहाँ से एक वूल। भाई नीचे जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप लोग देखोगे तो भाई इधर नीचे जाने में भाई डर लग रहा है, कहीं भाई पता लग गया नीचे। दो ब्लॉक की जंप से भी भाई बार बार बच गए हम लोग। लेट्स गो यहाँ से हम लोग इधर सिंपल जंप मारते हैं, नीचे केव जा रही है आप लोग देख पा रहोगे। भाई इस समय केव में देखने में भी डर लग रहा है भाई, दो ब्लॉक की जंप चलो मार सकते हम लोग। ओके वैन लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, सिंपली थोड़े बहुत स्टोन के टूल नहीं लेने वाले हैं, इतने खतरनाक रास्ते भाई खतरे नहीं लेने हम लोग को, तो बाकी आगे की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ से आई थिंक रास्ता सही है, थोड़ा देख दाख के चलेंगे पता लगे भाई बाद निकल जाए। भाई लिटरली हाफ वर्ल्ड में भाई माइनक्राफ्ट को बीट करना भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप लोग समझ सकते हो गए कि भाई कितना यार डिफिकल्ट है। बाकी यहाँ पे काफी सारा स्टोन रखा हुआ है, तो उसको यार ले लेते हैं ताकि अपना जो भाई अपग्रेड है ना भाई वो जल्दी जल्दी हो जाए, हम लोग जो टूल है ना अपग्रेड हो जाए तो भाई काफी अच्छे सीन हो जाएंगे। तो यहाँ से जितने भी हम लोग ले सकते हैं अपने स्टोन उनको ले लेते हैं और फिर आगे तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो यहाँ से सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं जितने भी स्टोन के पास, जब तक पिकेक्स चलती है कम से कम इतना ले लेंगे कि यार हम लोग जो टूल्स है ना भाई आराम से बन जाए, कम से कम 2-3 बार के तो आराम से, वो दिक्कत नहीं, 1-2-3 बार बन जाए तो अपने गेम जो है काफी थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी हम विलेज की तलाश करने यहाँ से हम लोग हायर नायर कुछ मिल जाएगा तो भाई काफी तगड़े सीन हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं यार यहाँ से हम क्या करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग के पास टोटल टोटल भाई 18 स्टोन हो चुके हैं इस बात से, तो काफी सही रहेगा ये। फिलहाल हाँ अभी तो यार आस पास कुछ नहीं दिख रहा, बाकी यहाँ पे कोल मिल चुका है कोल लेते हैं। बाकी यहाँ पर रात भी होने वाली है और लिटरली अपने पास सी पी भी नहीं किया हम लोग यहाँ पे भाई दिन कर ले। भाई यार हाफ पार्ट में भाई रात को सी करना लिटरली भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप लोग समझ ही सकते हो भाई। एक डॉम्बी भी एक क्रेट मार दी ना उसने अपना गेम खत्म है लिटरली, समझो आप लोग। भाई यार क्या बताया मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अच्छा गेम हम लोग कैसे ओवर करने वाले। फिलहाल जो भी यहाँ से उन्होंने इतना हो सकता है यार अपना भाई बहुत ज्यादा पोल मिल रहा है वो भाई लिटरली बहुत ज्यादा पोल मिलेगा हम लोग को। तो फिलहाल यार ऊपर हम लोग दिन वेट करेंगे क्योंकि यार हम लोग ऐसे बाहर नहीं जाने वाले, बिकॉज अगर बाहर गए ना अगर जॉम्बी भी आ गए ना अपना गेम ओवर है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे उसका। भाई लेट्स गो यहाँ पे क्रीपर आ चुका है और इसने हम लोग आई होप कि भाई देखा ना हो, अगर देख लिया होना तो भाई गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से लोग भाई यहाँ पे डर लगा देते हैं भाई। अब नहीं भाई गेम ओवर नहीं करना यार हम लोग को, बाकी इतना अंधेरा भी करना है इतना भी नहीं डरते यार। तो फिलहाल देखते हैं भाई कब तक यहाँ पे रहता है इससे बस। हाँ एक चीज कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग यार अपने जो टूल्स है ना उनको अपग्रेड कर लेते हैं भाई सीधे सीधे भाई अपना स्टोन पे, काफी तगड़े सीन हो जाएंगे तो भाई मजा आ जाएगी। फिलहाल अभी हम यहाँ से हम लोग बनानी पड़ेगी अपनी थोड़ी बहुत स्टिक, तो स्टिक ले लेते हैं सबसे पहले। तो अपनी स्टिक भाई हम लोगों ने काफी ज्यादा ले ली है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से थोड़े बहुत लोग प्लैंग बनाने पड़ेंगे हम लोग को, क्योंकि आप लोग देखो ना पास प्लैंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया सिंपली से। आप बना लेते हैं अपने लिए एक स्टोन की पिकएक्स और स्टोन की स्वॉर्ड, स्टोन की पिकएक्स, और इसका कोई काम है नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है। तो फिलहाल लेते हैं जितनी चीजें बनाई है ना उनको रख लेते हैं ऊपर की तरफ को, ताकि हम अच्छे से अटैक कर सके बिना किसी दिक्कत के। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, लेट्स गो इसका कोई काम नहीं ऊपर, और आई थिंक इसका यहाँ पर रख लेते हैं। बाकी यहाँ सारी सारी चीजें ठीक लगी हुई है, तो फिलहाल अब हम लोग जा सकते हैं भाई आगे तरफ को बिना किसी दिक्कत के। हाँ वो बात अलग है, अपने पास केवल एक एक ही हार्ड है वो मतलब वो भी हाफ हार्ड है भाई लिटरली, और लोग देख पा रहे हो। तो फिलहाल भी चलते हैं ऊपर तरफ को, आई होप कि भाई क्रीपर वहां पे ना हो, क्रीपर हुआ तो लिटरली दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो क्रीपर जो है भाई पानी में जा चुका है भाई, जीपी क्रीपर है। चलो जो भी यार अभी हम लोग अपने थोड़ा बहुत कोल ले गए थे यहाँ पे उसको ले लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे तरफ को। बाकी आई थिंक हम लोग काफी कोल आ चुका है तो इतनी जरूरत है नहीं हम लोग को कोल को लेने की, तो फिलहाल अभी हम जा सकते हैं भाई एक विलेज की तलाश में। तो चलते हैं सीधा विलेज की तलाश में भाई। दिन में जॉम्बी क्या करना है यार भाई लिटरली, तो देखो भाई दिन में जॉम्बी यहाँ पे क्या करना है भाई, क्या ही गेम चल रहा है। बाकी यहाँ पे एक पिंक बायोम आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो भाई काफी कूल लगती है। फिलहाल हम लोग को देखना है ये कि भाई हम लोग को यहाँ पे विलेज विलेज मिलती है कि नहीं भाई, विलेज मिल जाता अपना थोड़ा बहुत काम आसान हो जाएगा। भाई दौड़ने की आदत भाई पता नहीं कभी आएगी भाई, ये आदत पड़ गई है दौड़ने की लिटरली। आप देखो भाई सामने पेड़ पेड़ ही पेड़ है भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं है और लिटरली अभी डर का माहौल चल रहा है कि भाई हम लोग को भाई कुछ अलग सी चीज ना मिल जाए, मतलब एकदम से सामने क्रीपर या कुछ और भाई खतरनाक सी चीज ना आए, तो उन्हें देखना पड़ेगा। फिलहाल भी चलते हैं आगे तरफ को, लेट्स गो। यहाँ पे एक शिप है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने
तो गाइस यार हम लोग यार जब जा रहे थे यार हम लोग एक बोट से भाई ये बड़ा टीजर में आप देख पा रहे हो भाई ये मिला था जिसकी यार लोकेशन पे भी हम लोग आ चुके हैं। जैसे आप लोग देख पाओ तो भाई इसी नीचे दिखा रही लोकेशन, जैसे आप लोग यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो भाई इधर नीचे दिखा रही, तो यार हम लोग यहाँ माइंड कर सकते हैं आई थिंक। तो भाई हम लोग यहाँ से माइंड करना शुरू करते हैं और देखते हैं भाई क्या हम लोग उसके नीचे भाई अपना टीजर मिल सकता है, क्योंकि भाई टीजर मिल गया ना भाई। ऑल राइट गाइस यार अभी लोग को भाई यहाँ पे टीजर मिल तो गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो भाई देखना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या नहीं मिला है। लिटरली अब देखो भाई यहाँ पे आयरन की लेगिंग मिल चुकी है, एक एनचांटेड वेपन मिल चुका है, एक अपनी भाई आयरन चेस्ट प्लेट मिल चुकी है, और भाई लिटरली आप लोग देखो ना भाई डायमंड कितने सारे मिल चुके हैं, यानी कि अपने को मिल चुका है टोटल 12 डायमंड यानी कि एक दर्जन। यहाँ पे नेम टैग मिल चुका है और यहाँ पे बिटकॉइन कॉइन मिल चुका है, और ये कौन सा पोजन ऑफ रीजनरेशन, भाई लिटरली काफी काम काम का सामान मिला है, बाकी और कुछ काम का नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग, लेट्स गो। बाकी अपने पास सैंड पड़ी हुई काफी ज्यादा, तो सैंड नहीं का यूज करने वाले, बाकी यहाँ टीजर में कभी कोई काम नहीं, इसको फेंक देंगे बाद में। फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं सबसे पहले हम लोग, लेट्स गो। बाहर आ चुके हैं हम लोग, लेट्स गो। काफी ज्यादा भाई सही सीट निकल रहा है हम लोग के पास, यानी हम लोग देखो ना भाई एनचांटेड वेपन निकल आया जिसका काम हम लोग जानते हैं भाई कितना ज्यादा भाई ओपी होता है। तो इसको रखने वाले हम लोग इधर पे, यानी कि हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज करने वाले हैं। बाकी अपना आयरन का आर्मर जो है इसको हम लोग यहाँ से पहन लेने वाले, डायमंड को भी हम लोग यूज रखने वाले, पोजन ऑफ रिजनरेशन को हम लोग यहाँ पर रखने वाले, बाद में जब काम पड़ेगा तब इसको यूज करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे तरफ को, लेट्स गो। बाकी देखते हैं यार हम लोग विलेज कब मिलती है, हम भाग क्यों रहे यार हम लोग भाई भूल जाते हैं यार, बार बार भागना नहीं है हम लोग को। लेट्स गो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विलेज कब मिलती है। जिसकी वजह से हम लोग गए थे नेदर पे, और वहां से अपने लिए भाई अंडर आई लिया है जहां से हम लोग जा सकते हैं भाई एंड पोर्टल की तरफ को। और लिटरली भाई नानी आ जाके भाई इसके अंदर जाके पुराना यार चेस्ट के अंदर देखा भाई, चेस्ट के अंदर को मिला एक और गोल्डन एप्पल, लेट्स गो भाई। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। बाकी यहाँ भी लोग एक गोल्डन चेस्ट प्लेट मिल चुकी है, गोल्डन के बूट मिल चुके हैं। अब भाई यार ये पहले मिल जाता तो यार हम लोग उनसे यार आराम से ट्रेडिंग कर लेते भाई, लिटरली हम लोग दौड़ा दिया था यार देख के हम लोग को। चलो कोई बात नहीं यार, अब चलते हैं अपने नेदर पोर्टल की तरफ को, मतलब कि यार एंड पोर्टल की तरफ को, और देखते हैं भाई वो कितने देर मिलता है हम लोग को। लेट्स गो पीछे जाने हम लोग, तो लेट्स गो। यहाँ से हम लोग प्यार से भी चलते हैं यहाँ पे भाई एकदम आराम आराम चलना, हम लोग देखते हैं कितने पहुंचते हैं। तो भाई ये नहीं चाहिए। ऑल राइट गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई एंड वर्ल्ड के अंदर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग भाई बिल्डिंग जल्दी से जल्दी चलते हैं भाई ऊपर की तरफ को, लेट्स गो। और भाई हम लोग को 1 सेकंड भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई हम लोग बिना एप्पल गाय से लड़ने जाए, यहाँ जाते हैं एनचांटेड एप्पल चढ़ते हैं लड़ने के लिए, लेट्स गो। यहाँ हम लोग सीधे बैंडर डैम को मारने जाने वाले हैं भाई, जितनी तेज मार सकते होंगे उतनी तेज मारेंगे भाई, किसी से नजरें नहीं आनी है लिटरली भाई, सीधे अंडर डैम को मारना, कोई भाई फालतू काम नहीं करना भाई। हम लोगों ने भाई वो भी नहीं मारना है, केवल केवल हम लोग के पास कुछ है ना, तो भाई ये केवल केवल एक एक डायमंड की सोल गेम ओवर हो सकता है लिटरली, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल ऐसे हम लोग भाई मारना कोशिश करते हैं, लेट्स गो। ये बैठे हुए यहाँ पे, लेट्स गो। चलो भाई मारो मारो भाई, हाफ हार्ट नहीं है अपने पास अभी भाई, लोग मार सकते हैं मार सकते हैं, लेट्स गो भाई। बैठे ना बैठे बैठे भाई मारते हैं, लेट्स गो। यहाँ से आराम से मार सकते हैं, लेट्स गो मारते हो मारो भाई। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के ओवर कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे देख पा रहे हो भाइयों। अब गाइस हम लोगों ने अंडर ड्रैगन का जो गेम है यहाँ पे खत्म कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे हाफ हार्ट में माइनक्राफ्ट को बीट कर दिया, लेट्स गो। कि भाई जो तुम लोगों को आज वाली जो वीडियो है पसंद आई होगी, आई हो तो भाई लाइक करना, चैनल में नया हो तो भाई सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय।